नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत झांसी के खंड विकास कार्यालय मऊरानीपुर में स्थानीय विधायक और सांसद की अनुपस्थिति में 24 नव दंपति जोड़ों की शादियां संपन्न कराई गई, जिसमें मऊरानीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नव दंपतियों जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक साथ जीने मरने की कस्में खाई। वहीं दूसरी ओर आयोजित विवाह समारोह कोई भी व्यवस्थाएं नहीं देखी गई और यह शादी का कार्यक्रम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहां पर फैली अव्यवस्था दे रही थी। शादी समारोह में नव दंपतियों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी और न ही उनके साथ आए परिजनों के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जहां एक ओर प्रदेश के मुखिया सामूहिक विवाह सम्मेलन योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो फिर ऐसे सम्मेलन अव्यवस्थाओं की भेंट कैसे चढ़ जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री स्पष्ट आदेश है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखी जाए और नव दंपत्ति को कपड़ों के अलावा अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं के साथ धनराशि भी दी जाए, ताकि ऐसी योजनाओं को प्रोत्साहन मिल सके और भविष्य में इन योजनाओं से अधिक लोग जुड़े और इस योजना का लाभ भी अधिक से अधिक लोग को मिल सके। पर मुख्यमंत्री के आदेशों को तार तार करते हुए मऊरानीपुर ब्लॉक के अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आए और यही कारण रहा कि विवाह सम्मेलन में आए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। सूत्रों के अनुसार विवाह सम्मेलन के लिए आए लाखों के बजट का अधिकारियों ने आपस में जमकर बंदर बांट किया। अब देखने की बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के आदेशों को तार तार करके अपनी जेब भरने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होती है। झांसी से गिरबर सिंह की रिपोर्ट।